नमस्ते, स्वागत है आप सभी का एएसएम न्यूज में। झांसी में बुधवार देर रात में पड़ोसी ने सीने में चाकू घोंपकर आपे ड्राइवर की हत्या कर दी। पड़ोसी पीड़ित के घर के सामने कूड़ेदान रख रहा था। मना करने पर हुए विवाद में आरोपी ने सीने पर ताबड़तोड़ 4 से 5 वार किए। हत्या के बाद आरोपी घर लॉक करके भागने लगा। तभी लोगों ने पकड़कर धुनाई कर दी और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के नई काशीराम कॉलोनी निवासी भगवान दास अहिरवार 52 वर्ष दीवान अहिरवार आपे चलाते थे। पत्नी अंगूरी देवी ने बताया कि वे तीसरी मंजिल पर रहती हैं। दूसरी मंजिल पर रिश्तेदार का घर है। रिश्तेदार बाहर रहते हैं, इसलिए उनका सामान रखा हुआ था। रिश्तेदार के घर के सामने दिनेश पेंटर रहता है। रोजाना ही की तरह बुधवार शाम को दिनेश पेंटर ने कूड़ेदान रिश्तेदार के घर के सामने रख दिया। रात करीब 8 बजे मैंने मना किया तो उल्टा सीधा बोलने लगा। तब मेरे पति नीचे आए और समझाने लगे। तब दिनेश गाली गलौज करने लगा। विवाद बढ़ने पर मैंने पति को ऊपर घर में भेज दिया। आगे पत्नी ने बताया कि झगड़े के दौरान आरोपी दिनेश अपने घर चला गया और लंबा चाकू उठाकर लाया। ऊपर चढ़ते हुए सीढ़ियों पर आरोपी ने पति भगवान दास के सीने में चाकू से हमला कर दिया। चाकू लगने के बाद पति गिर गए। उनको मेडिकल कॉलेज ले गए तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। धन्यवाद। रोज मना करता हूँ, मानता नहीं है। किसी बात को लेकर बतलाइएगा। क्या आपस में चैटा चाटी हो रही थी, किसी कचरे कर रहे थे वो लोग।